अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये पास्ट पेपर में अगर देखा जाए तो बहुत कम दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। लेकिन इस टॉपिक में से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, गैसेज कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रेशर क्या है, गैसेज मोबाइल क्यों होती हैं, ये चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। सही है, ये चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कहाँ पे आ चुके हैं, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। देखो जो भी डेफिनेशन आया है, डेफिनेशन लाजमी है, डेफिनेशन आपने करनी ही करनी है, 100% है। सही है, तो सबसे पहली बात, हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन लिखा हुआ है। क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन की शायद डेफिनेशन आपने बायोलॉजी में पढ़ी हो, पढ़ी है ना। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बच्चा वो डेफिनेशन सही है, उस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट पूरा है, लेकिन जो यहाँ भी लिखेंगे ये भी डेफिनेशन सही है। सही, तो अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद, द स्पॉन्टेनियस इंटर मिक्सिंग ऑफ गैस बाय रैंडम मोशन। रैंडम कहते हैं बेतरतीबी को, वो मोशन जो बेतरतीबी है, रैंडम मोशन एंड कोलिजन कहते हैं टकराव को, या टकराना, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। इसका हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए इसका हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या मतलब स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन, इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है? बायो वाले भी कर सकते हैं, मैं पहले बता दूं, लेकिन आपके पास्ट पेपर या फिर एग्जामिनेशन जो सेंटर होता है ना, वहाँ पे पता क्या आता है, मैक्सिमम जो एग्जामिनर होते हैं वो बुक वाले डेफिनेशन चेक कर रहे होते हैं। शायद जो केमिस्ट्री वाला बंदा वहाँ पे चेक कर रहा है, उसको बायो वाले डेफिनेशन का पता ना हो। बात सही है, मैं समझाता हूँ, बात बिल्कुल सही है। आप कहते हैं जी बायो वाले कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखो अब बायो वाले भी सेम यही है और केमिस्ट्री वाले भी सेम यही है, सिर्फ अल्फाज का मतलब चेंज है। देखना इधर, ये एक बॉक्स है, ये सपोज कर लो एक कमरा है। इधर देखो, थोड़ी देर के समझ लो, ये कमरा है, मैंने यहाँ पे ना परफ्यूम लेके ना यहाँ पे यहाँ एयर फ्रेशर लेके यहाँ पे उसका छिड़काव कर दिया। अच्छा, जब एयर फ्रेशर लेके मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे एयर फ्रेशर का छिड़काव कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे पहले स्मेल आएगी, लेकिन लास्ट में मुझे स्मेल नहीं आएगी, मतलब इस कोने में आएगी, उस कोने में नहीं आएगी। तो थोड़ी देर के बाद आपको स्मेल वहाँ पे भी आनी शुरू हो जाएगी। पता क्या हुआ है, हवा के साथ देखो जो फ्रेगरेंस के मॉलिक्यूल होंगे ना, यहाँ पे जब आपने इस कोने में स्प्रे की, यहाँ पे फ्रेगरेंस के मॉलिक्यूल थे ज़्यादा, क्या हुआ है, लेकिन ये क्या हो रही है, हाई। यहाँ पे मिकदार क्या है, ज़्यादा, तो मैं कंसनट्रेशन लिख सकता हूँ, यहाँ पे हाई है, हाई कंसनट्रेशन है। अब ये क्या करते हैं, इसमें कुछ हवा के मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। कौन से मॉलिक्यूल मौजूद हैं? हवा, क्योंकि हवा भी क्या हमारे पास है, गैस है। ये क्या करते हैं, हवा के मॉलिक्यूल से टकराते टकराते एक वक्त आता है, ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे, कुछ यहाँ पे, इस तरह एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। ये वाली चीज़ हर जगह पे परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम हो जाएंगे, और जहाँ पे हर जगह पे वो चीज़ सेम हो जाए उसको कहते हैं होमोजेनियस। आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस जिसकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी हो, हेटरोजेनियस मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जगह चेंज करने से तब्दील हो जाए, हेटरोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेटरोजेनियस मिक्सचर कहला रहे होते हैं। सही है बच्चे, इसके बाद ना हम आपकी बुक में एग्जांपल तो नहीं लिखी हुई, लेकिन हम एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे। देखो यही वाली एग्जांपल है, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट या फ्रेग्रेंस लिख लो,
इन अ रूम, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट और फ्रेग्रेंस इन अ रूम, एक कमरे में जो फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब पता क्या आता है? खुशबू, ये बेसिकली डिफ्यूजन है। और लास्ट में एक चीज़ याद रखिएगा नोट की फॉर्म में, जो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये क्या मतलब है इसका मैं बताता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। अच्छा एक बात इधर मेरी बात सुनना, इस लाइन का मतलब क्या है, इससे क्या कॉन्सेप्ट मिलता है वो बात समझिएगा। बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है किसी को कितना होता है? हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दो होता है, दो क्योंकि H2 होता है ना, ये देखो H2, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो। ऑक्सीजन का पता है कितना होता है? 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो का क्या होगा O2 का 32। मतलब अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इतना है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा बड़ा। अब जितना साइज बढ़ता है, देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे स्प्रे परफ्यूम किया, यहाँ पे मॉलिक्यूल थे ज़्यादा, यहाँ मॉलिक्यूल क्या थे कम, यहाँ से मॉलिक्यूल मूव करके आगे गए, क्या हुआ जी, एक जगह से मॉलिक्यूल मूव करके दूसरी जगह पे गए। अब इसी मूवमेंट को हम नाम दे रहे थे डिफ्यूजन का। अब मुझे खुद सोच के बताइएगा, जो जिसका साइज छोटा है वो आसानी से मूव कर जाएगा या जिसका साइज बड़ा है वो आसानी से मूव करेगा? छोटे वाला। और यही साइंस कहती है, जिसका साइज छोटा होगा वो आसानी से मूव करेगा और जिसका साइज बड़ा होगा वो मुश्किल से मूव करेगा। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ बना रखा है इन्होंने, उसको कहते हैं जी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये आप जाकर फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, क्या बना रखा है, एक लॉ बना रखा है कि छोटे मॉलिक्यूल तेज मूव करता है और बड़े मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो मूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा और यही बात यहाँ पर लिखी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। रेट ऑफ डिफ्यूजन कहता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने की सलाहियत, बेशक ऊपर लिख लो रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद है, रेट कहते हैं स्पीड को, डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की क्या है कम है। अच्छा इसके मिलती जुलती एक और भी टर्म है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्या है इसके मिलती जुलती, वो पता क्या है, इफ्यूजन, EFFUSION। देखो एक डिफ्यूजन है और एक क्या हमारे पास है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होगा, इस्केपिंग ऑफ, पहले डेफिनेशन लिख लो बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस्केपिंग कहते हैं फरार होना, इस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का फरार होने के अमल को, थ्रू अ टिनी होल, कहाँ से, थ्रू अ टिनी, टिनी का मतलब क्या होता है छोटा बारीक भी कह सकते हो छोटा भी कह सकते हो, थ्रू अ टिनी होल टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर कह लो या लोअर कंसनट्रेशन कह लो, इसको हम नाम दे रहे थे इस कार्ड इफ्यूजन। क्या मतलब, देखो मैं इसके साथ से बेस्ट एग्जांपल दूं, गाड़ी का टायर है, इसके अंदर क्या डाली होती है आपने, हवा डाली होती है, जब गाड़ी का टायर पंक्चर होता है क्या होता है, बारीक सुराख हो जाता है, ऐसा ही है, तो क्या होता रहता है, ऐसा हवा यहाँ से, देखो टायर के अंदर हवा क्या है ज़्यादा है, बाहर वाली साइड पर हवा क्या है कम है, सही है, तो अंदर वाली साइड प्रेशर होगा ज़्यादा, बाहर वाली साइड पे क्या होगा कम, तो हवा ऐसा यहाँ से निकलती रहेगी, क्या होगा यहाँ से ऐसा हवा क्या काम जाएगी बाहर निकलेगी। तो यही लिखा हुआ है, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, गैस के मॉलिक्यूल का निकलना फरार होना एक बारीक से सुराख में से, इस अमल को इफ्यूजन कहते हैं। देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है चीज़ें, गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ है, इसमें भी
लेकिन फ़र्क पता कहाँ पे है, अगर एक बारीक सुराख में से मूव करेंगे तो इफ्यूजन, अगर ओपनली मूव करेंगे तो डिफ्यूजन, सही है। तो ये एक सिंपल सा फ़र्क याद रखिएगा डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में। अच्छा, इसके बाद हमने करनी है इफ्यूजन की एग्जांपल। क्या करनी है, हमने एग्जांपल मैंने बता दिया, क्या पंक्चर ऑफ टायर, क्या चीज़ है हमारे पास, पंक्चर ऑफ टायर। अच्छा, इसके बाद ना एक और हम कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। अब इसके मुतालिक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब पता क्या आता है, दबाए जाना, दबाए जाना, कंप्रेस से निकला है, कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी दबाए जाने की सलाहियत बेसिकली होता है। एबिलिटी जहां वर्ड है मैंने बता रखा है, उसका मतलब सलाहियत, क्या मतलब होता है, एबिलिटी से निकला है, कंप्रेसिबिलिटी दबाए जाने की सलाहियत। अच्छा, इधर मेरी बात सुनना, इधर देखो, एक चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि गैस के मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर, लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं करीब करीब, और सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होते हैं। अब इनके दरम्यान में एक गैस के मॉलिक्यूल और दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के दरम्यान में जगह खाली, काफ़ी सारी जगह क्या है, खाली है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा पंप, हवा भरने वाला, सही है। इस पंप में ये होती है जिसकी पिस्टन, जिसको आम जबान में बोकी कहते हैं मेरे ख्याल से, और यहाँ पे हमने गैस बंद कर रखी है, आगे से यहाँ पे एक वाल्व होता है, यहाँ से हवा निकल रही होती है बाहर की तरफ, सही है। अगर आप इसको आगे से कर दो बंद, कहाँ से, इसको आगे से हाथ रख लो इस तरह, हवा बाहर निकलेगी ज़ोर से, आप ऊपर से इसको ज़ोर से नीचे की तरफ दबाओ, प्रेशर लगाओ इसके ऊपर, तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा और जो गैस होगी इसमें कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि हमने दबाया है और गैस यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी। अब यही सवाल आता है, गैसेस कंप्रेसिबल क्यों है, क्यों दबाया जा सकता है, लिक्विड नहीं दबाया जा सकते, सॉलिड नहीं दबाया जा सकते, गैसेज ही क्यों कंप्रेसिबल है। मुझे होता यह है कि जब नॉर्मली गैस होती है उसके दरमियान होती है काफ़ी सारी खाली जगह, क्या होती है, काफ़ी सारी खाली जगह होती है, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं एक दूसरे के, इसलिए गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, यही कहते हैं गैसेज कंप्रेसिबल होती हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में काफ़ी सारी जगह खाली होती है, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, सही है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखनी है, क्या ओए, चलो कोई नहीं, खैर गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेज क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं बिकॉज, क्यों होती हैं बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। स्पेस किसको कहते हैं, खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस का मतलब होगा खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। जब हम इसको दबाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के आ जाते हैं करीब, इसे कंप्रेसिबल है। When we apply pressure, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, देन होता क्या, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर। जब हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यही रीज़न है कि गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं।
यहाँ तक किसी बच्चे को सवाल हो, डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है और कंप्रेसिबिलिटी क्या है, किसी बच्चे को सवाल, एनीवन? जी, अच्छा स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, बिल्कुल सही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, खुद ब खुद मिलने का अमल। मतलब आप यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगाओगे, आप गैस का मालिक खुद नहीं मूव करोगे, खुद ब खुद ही हो जाते हैं, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। वेल डन। और कोई सवाल, एनीवन? कोई भी सवाल है तो पूछ लो। अभी कुछ चीज़ समझ नहीं आई, किसी लफ्ज का मतलब नहीं पता चला तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो, अल्लाह हाफिज़।